हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और चटपटे रायते की रेसिपी। आज मैं आपको शादी वाला पकौड़ी रायता बनाना सिखाऊंगी। किस तरह से घर में पकौड़ी का रायता आप बना सकते हैं जो कि खाने में बेहद टेस्टी लगता है। आप इसको लंच में खाइए, डिनर में खाइए या फिर राइस की किसी भी रेसिपी के साथ आप इसको पेयर कर सकते हैं। बहुत मज़ा आता है फ्रेंड्स खाने में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पकौड़ी रायता, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ली है आधा कप मूंग की दाल। मैंने यहाँ पर बिना छिलके वाली मूंग की दाल ली है, जिसको हम सबसे पहले अच्छे से दो बार पानी से वॉश करेंगे और उसके बाद में इसको साफ पानी में हम भीगने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर गर्मियों का सीजन है तो 2 से 3 घंटे में भी दाल भीग जाएगी, और अगर विंटर सीजन है तो आप इसको 3 से 4 घंटे भिगोएं। तो देखिए, दाल को मैंने भिगो दिया था, अच्छे से फूल गई और अब मैंने इसको छलनी में निकाल लिया। अब दाल को हम इस तरह से ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफर कर लेंगे। तो दाल को हमें एकदम बारीक पीसना है, तो हम इसमें 2 हरी मिर्च डाल देते हैं और 2 इंच अदरक का टुकड़ा भी डाल देते हैं और ढक्कन लगाकर हम इसको पीस लेंगे। देखिए, मैंने इसको पीस लिया है पर दाल अभी काफ़ी गाढ़ी है, तो मैंने इसको सबसे पहले तो बोल में निकाल लिया। और अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें 1 टेबलस्पून पानी डालेंगे और इसको अच्छे से फेटेंगे। इसको हम लगभग 4 से 5 मिनट तक फेटेंगे लगातार, पर इससे पहले आधी चम्मच नमक डाल देते हैं। आधी चम्मच नमक, और मैंने इसमें 1 चुटकी हींग डाल दी। हींग डालना ऑप्शनल है, पर इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारी पकौड़ियों में। तो अच्छे से मिला लीजिए और इसको हाथों से फेटना है हमें बहुत अच्छे से। इसको बीट करेंगे तो इस तरह से बिल्कुल फ्लफी हो जाएगा, एकदम क्रीमिश इसका कलर आ जाएगा। और ये हमारी दाल फिट चुकी है नहीं, ये चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको बिल्कुल थोड़ा सा आपको बैटर लेना है हाथ में और इस तरह से पानी में डालकर देखेंगे। अगर ये फ्लोट करने लगे, इसका मतलब दाल हमारी पकौड़े बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इस तरह से फेट कर अगर आप बनाएंगे दाल और पकोड़े बनाएंगे, तो आपके जो पकोड़े हैं उससे रायता जब आप बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बनेगा। फोके फोके एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट आपकी पकोड़ी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने सरसों के तेल को गर्म कर लिया और इसमें मैंने इस तरह से छोटी छोटी पकोड़ी डाल दी। पकोड़ी का साइज़ वैसे तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, पर छोटी छोटी डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, देखने में बहुत क्यूट लगते हैं, बहुत सुंदर सुंदर लगते हैं। और शादियों में भी इसी तरह से छोटी छोटी पकोड़ी का रायता बनाया जाता है। तो इस तरह से मूंग दाल की पकौड़ी हमारी बनकर तैयार आपको मिल जाएंगी। सारी पकौड़ी हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सारी पकौड़ियों को तल लिया है। अब देखिए, यहाँ पर हमने लिया है दही, 2 कप दही लिया और उसमें 1 कप पानी डाल दिया और अच्छे से मिला लिया, मथ लिया, उसको मिक्स कर लिया। तो दही में अब हमें क्या करना है, पकौड़ियों को डालना है। तो दही हमारा तैयार है, पर अब हमें एक काम और करना होगा। पानी हम लेंगे, एक बोल में पानी ले लें, गर्म पानी लेना है और इसमें हम पकौड़ियों को डाल देंगे। फ्रेंड्स, जैसे ही आप फ्राई करें वैसे ही आप क्या करें, सबसे पहले पकौड़ियों को पानी में डाल दें। ऐसा करने से जो हमारी पकौड़ियाँ हैं और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, और उसके बाद में जब इसको हम दही में डालेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी और बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी, एकदम फूली फूली बनेंगी। पानी में डालकर इसको 4 से 5 मिनट छोड़ दें और उसके बाद में इसको हम डालेंगे। तो पकौड़ियों को देखिए, मैंने पानी में भिगोने के बाद में इस तरह से डाल दिया है दही में, और अब इसमें हम मसाले मिलाएंगे। आप चाहे तो पकौड़ियों को डालने से पहले भी मसाले डाल सकते हैं, मैंने बाद में डाला है। तो आधी चम्मच इसमें डालेंगे भुने जीरे का पाउडर, आधी चम्मच सफ़ेद नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच के करीब हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। इसके अलावा आधी चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे काला नमक। काले नमक का टेस्ट फ्रेंड्स बहुत अच्छा आता है रायते में। तो फ्रेंड्स, सारे मसालों को हमने इसमें डाल दिया है। बहुत ज़्यादा मसाले हमें नहीं डालने हैं, ऑलरेडी हमारी जो पकौड़ियाँ हैं काफ़ी टेस्टी हैं। हमने इसमें जीरे का यूज़ भी किया है, हींग भी डाला है, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो बस मिक्स कर लेंगे और इसको साइड में 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो पकौड़ियाँ हैं अच्छे से दही को एब्जॉर्ब कर लें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हम तड़के वाला पकौड़ी रायता बना रहे हैं, जिसके लिए आपको तड़का पैन लेकर उसमें 2 चम्मच तेल डालकर गर्म कर लेना है। इसके बाद में आधी चम्मच इसमें हम डालेंगे सरसों या राई, और 1/4 चम्मच जीरा डालकर अच्छे से चटका लेंगे। इसके बाद में तड़के को हल्का सा ठंडा कर लें, लगभग 30 सेकेंड्स हम वेट करेंगे या 1 मिनट वेट करेंगे, और उसके बाद में आप इसको रायते पर डालें। एकदम गरम गरम हमें नहीं डालना है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गरम में डालेंगे तो रायता फट सकता है, दही फट सकता है। तो गर्मियों में अक्सर से प्रॉब्लम ये आ जाती है और दही हमारा खट्टा हो जाता है, रायता बहुत खट्टा हो जाता है, तो खाने में अच्छा नहीं लगता। तो देखिए, ऊपर से आप इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दें लाल मिर्च के साथ, भुने जीरे के साथ, थोड़े से हरे धनिए के साथ भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। खाने में भी अच्छा लगेगा, देखने में भी, और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। तो फ्रेंड्स, बस तैयार है हमारा तड़के वाला पकौड़ी का रायता। आप भी इसको घर में बनाकर ज़रूर देखें और बनाने के बाद में फीडबैक ज़रूर शेयर करें। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रायते की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरी इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।